नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम, आपका दोस्त और आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सावजी टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे रियलमी 3 के टॉप 10 हिडन फीचर की। दोस्तों एक दो ज्यादा हो सकते हैं, 10 नहीं कह रहा मैं, 10 बोल दे रहा हूं सिर्फ आपको। एक दो ज्यादा हो जाए तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे आज हिडन फीचर बताऊंगा जो रियलमी 3 यूजर के लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं और आपके मोबाइल को एक यूनिक लुक दे देंगे। दोस्तों वीडियो बने रहेगा लास्ट तक, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि फीचर्स बताने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपने मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं रियलमी 3 में और आपको बताते हैं इसके हिडन फीचर्स क्या क्या है। तो चैनल पर नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा, लाइक करने से मोटिवेट होते हैं आपके आने वीडियो के। चलिए दोस्तों वीडियो, दोस्तों आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में आ गए हैं। आपको दोस्तों ऊपर जाना है और आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अबाउट फोन में जाना है। यहाँ पे आपको वर्जन लिखा हुआ होगा, इस पर आपको 7 बार टैप करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इस पर आपको बाद में बताता हूँ क्या दोस्तों ऑप्शन है, एडिशनल सेटिंग है, आपको क्या करना है। हमारा आप देख सकते हैं ऊपर नोटिफिकेशन बार है दोस्तों, तो हम इसे इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आप कैलकुलेट गिनती कर सकते हैं कि कितनी संख्या है, और यहाँ पे आप नीचे एक्स्ट्रा देख सकते हैं कितनी है। यहाँ पे 4, 4, 8, 3, 11 है दोस्तों। अब मैं आपको इसका ऐसी बढ़ा के दिखाता हूँ गिनती की संख्या में इसको कैसे बढ़ाते हैं। तो हम जाएंगे दोस्तों अपने एडिशनल सेटिंग में, वहाँ पे नीचे डेवलपर ऑप्शन होगा, डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों क्विक सेटिंग डेवलपर टाइप्स, इस पर हमें जाना है। यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन जो है उसको डिसेबल किया हुआ है, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हम फिर से टैप करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों पहले 11 ही आ रहे थे, आप देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 13 आ रहे हैं। इससे आपका ये बेनिफिट हो, आप अपने दोस्त को दिखाएंगे तो वो भी सोचेगा कि इसका भी रियलमी फ़ोन है, इसका भी रियलमी 3 फ़ोन है, तो कैसे इस तरह का ऐसे हो रहा है। ये था दोस्तों पहला ट्रिक। हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। दूसरे ट्रिक दोस्तों आपसे ट्रिक हमको इसी डेवलपर ऑप्शन में ही मिलेगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो। दूसरा ऑप्शन आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, नीचे स्लाइड करना है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्या है वो। दूसरा है हमारा शो टच और पॉइंटर लोकेशन, हम इसे इनेबल करने से दोस्तों हम जहाँ भी टच करेंगे वो हमारा शो करने लगे इस तरह से होगा। अगर आप चाहते हैं आपको ये पसंद नहीं आ रहा है पॉइंटर लोकेशन, तो हमारा पॉइंटर लोकेशन से जो स्क्रैच हो रहा है, लग रहा है पॉइंटर लोकेशन से हो रहा है, तो हम ऑफ कर देंगे। और आप जहाँ भी टच करेंगे दोस्तों वहाँ पे शो टच दिखाने लगेगा, मतलब आप जो वर्क करेंगे उसको हमेशा दिखा सकते हैं अपने लोगों को। मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे शो टच दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं तो समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ टच कर रहा हूँ। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक, आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा ट्रिक दोस्तों इसी में है, आप चाहें तो इसे देख लीजिए आपको कैसे ऑन करना है। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही काम किया दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों दिखा हुआ है फोर्स एक्टिविटीज़ टू बी रिसाइजेबल, मतलब मल्टी विंडो, मतलब आप स्प्लिट स्क्रीन तो जानते ही होंगे। तो मैं आपको इसे ऑन कर देना है, इसको ऑन करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ स्प्लिट स्क्रीन कैसे करना है। दोस्तों मैं इसको एप्लीकेशन ऑन कर लेता हूँ पहले, इससे ये मैं कैलेंडर ओपन किया मैंने, उसके बाद दोस्तों मिनिमाइज जाएंगे और उसके बाद दोस्तों स्पीड स्क्रीन में जाएंगे। स्पीड स्क्रीन हो गया हमारा। पहले देखिए दोस्तों हमारा कुछ शो नहीं करता था, ना ही MX प्लेयर, ना ही कुछ और, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन आपको शो नहीं करते थे, गेम भी नहीं शो खेल सकते थे आप स्पीड स्क्रीन में। तो आप इसे इनेबल करिए दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्पीड स्क्रीन में। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक लगी मुझे दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक। दोस्तों हम चलते हैं अपनी चौथे ट्रिक की तरफ, सेटिंग में चलते हैं, स्पीड स्क्रीन हमारा हट गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे एडिशनल सेटिंग में ही जाएंगे, आपको यहाँ पे वीडियो कॉल इफेक्ट दिख रहा होगा, इसको जाके जाना है दोस्तों। यहाँ पे व्हाट्सअप दिख रहा है तो इसे हम इनेबल कर देंगे। इसे इनेबल करने से दोस्तों आपका वीडियो कॉल में एक स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा दोस्तों, ये बहुत ही काम का चीज़ लगा, इसे मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हमारा चौथा ट्रिक दोस्तों। आपको गिनती में शायद एक दो बेसी ही हो जाए तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, रियलमी 3 यूज़र के लिए बहुत ही काम की होगी, इसलिए मैं एक दो एक्स्ट्रा बता दूंगा जिससे आपको बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेटिंग की तरफ दोस्तों, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डिवाइस एंड प्राइसिंग में आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉक, गूगल प्ले प्रोटेक्ट है, ये तो ऑन ही रहता है, लेकिन अगर आपका बाई चांस ऑफ रहेगा इम्प्रूविंग हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, तो इसे आप ऑफ रहेगा तब इसे ऑन कर दीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, जितने भी आपके हार्मफुल ऐप्स रहेंगे ये डिटेक्ट कर लेगा और उसे इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देगा, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा, मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना है। अब हम इसका, अब हमारा ये काम हो गया दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरफ।
तो ऊपर आपको देखने के नोटिफिकेशन स्टेटस बार है, इसमें जाना है हमको। और यहाँ पे देखिए बैटरी परसेंटेज लिखा हुआ है, इसे एनेबल कर देंगे दोस्तों हमारा बैटरी परसेंटेज जो है वो शो करने लगे। ऊपर देख रहे हैं आपको बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है, इसे ऑफ कर देंगे तो नहीं करेगा, ऑन कर देंगे तो करेगा। यहाँ पे दोस्तों शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये भी ऑफ रहता है स्टार्टिंग में, आप इसे एनेबल कर लीजिएगा पहले। जैसे मैं अभी नेट ऑन करूँगा, जैसे मैंने नेट ऑन किया दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं शो कर रहा है। जैसे मैं इसे ऑन कर दूंगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों नेटवर्क स्पीड शो करेंगे। इससे आपके बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने व्हाट्सएप में कुछ डाउनलोड के लिए लगा दिया है या सेंडिंग के लिए लगा दिया है, इससे आपको इसकी स्पीड के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा हाँ कि मैंने कुछ सेंड कर रहा है या फिर मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पे 100 महीने में बहुत सारे हैं, सो डेटा यूजेज बॉटम, मतलब इसे मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो आपके यहाँ नीचे देखिए दोस्तों कुछ शो नहीं कर रहा है, सिर्फ एयरटेल और जियो 4G यही शो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे ऑन कर देंगे ना दोस्तों, यहाँ पे नीचे दोस्तों डेटा शो करेगा कि आज मैंने कितना डेटा यूज़ किया है और मंथली मैंने कितना डेटा यूज़ किया। अब इसे ऑन कर दीजिएगा तो ये आपके बहुत काम की चीज़ हो सकती है, आपको 1.5 GB यूज़ करने में पहले से ही पता चल जाएगा। ये दोस्तों हमारा हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे तरफ, यहाँ पे स्मार्ट एंड कन्वीनियंट में जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ दोस्तों फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन टू 5 सेकेंड वेक अप गो रेजिस्टर, मतलब अभी हम इसे ऑफ ऐसे प्रेस पर करके रखेंगे पावर बटन तो हमारा ऑफ करने का ऑप्शन दे देगा। ये सिंपल सा है दोस्तों, लेकिन अब हम इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ पे इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारा दोस्तों गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट फीचर है, आप इसे ऑन कर दीजिएगा, बहुत अच्छा है। उसके बाद आप नेविगेशन की देख सकते हैं, आप मेरा नीचे 1, 2, 3 की है, तो आप चाहे तो जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो वर्चुअल की कैन भी हिडन, इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। यहाँ पे साइड में एक चौथा की ऑप्शन आ जाएगा, इसे हिडन कर दीजिएगा, इसके बाद ये नीचे चला जाएगा और आपका वीडियो फुल स्क्रीन में चलने लगेगा। तो ये था दोस्तों, आप इसे ऑन करके रखिए, बहुत अच्छा है। और आपका दोस्तों बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, आप चाहें तो जिधर आपको पसंद है उस तरह से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन है, तो आपको इस पर जाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों गेस्चर को ऑन ऑफ कर है, इसको ऑन कर देना है, जैसे डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन, इसे मैंने अभी स्क्रीन को ऑफ कर दिया है, इसे हम डबल टैप करेंगे दोस्तों, देखिए हमारा स्क्रीन ऑन हो गया। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, ये बहुत ही कमाल का फीचर है। और दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे दूसरे सेटिंग में, ड्रो ओ टू स्टार्ट कैमरा, मतलब मैं दिखाता हूँ स्क्रीन ऑफ करके, अब मैं ड्रो ऑफ करूँगा, इसे मैंने ओ ड्रो किया, देखिए दोस्तों हमारा कैमरा ऑन हो गया, आप देख सकते हैं कैमरा हमारा ऑन हो गया। तो ये हमारा बहुत ही कमाल का फीचर है जो सिर्फ दोस्तों रियलमी के सारे डिवाइस में ही दिया गया है। अब हम दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है ड्रो वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, तो हम भी ड्रो करेंगे, सॉरी स्क्रीन ऑफ करके करना है। देखिए दोस्तों हमारा फ्लैश लाइट ऑन हो गया, पीछे आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है। हम इसे टच करेंगे या फिर स्क्रीन ऑन करेंगे तो हमारा फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा। ये हमारा फीचर्स अगला फीचर है दोस्तों। और आप चाहें तो दोस्तों नीचे आपको बहुत सारे हैं, जैसे ऐड स्क्रीन टू यहाँ पे ड्रॉ करना है, आप जो चाहें यहाँ पे स्टार्ट एंड है तो आप जो चाहें उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ड्रॉ एम पे करूँगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे हमको जाना है ड्रॉ, तो यहाँ पे ऐड गेस्चर, हाँ तो जैसे ड्रॉ एम हम इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट एंड ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों एम हमने क्लिक किया है। हम एम से मान लीजिए हमने MX प्लेयर लगाना है, तो MX प्लेयर हम लगा के देखते हैं ये वाला। उसके बाद दोस्तों हम ड्रॉ एम करते हैं, लॉन्च टू MX प्लेयर, यहाँ पे जैसे बोल रहा है एम मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे एम हो गया तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा क्योंकि मैंने पासवर्ड लगा रखा है, तो ये एम किया मैंने, देखिए यहाँ पर MX प्लेयर ऑन हो गया। ये था हमारा दोस्तों अगला फीचर, तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं इनेबल, ये भी इनेबल कर दिया म्यूजिक के लिए है। और हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे राइज टू टर्न स्क्रीन ऑन, तो इसे हम ऑफ कर देंगे ना, ऑन कर देंगे तो बहुत बेनिफिट होगा हमें। इसे मैंने ऑन कर दिया तो हमने इसे मोबाइल यहाँ पे आपको रख दिया, अगर हम इसे अपने फेस की तरफ लाएंगे ना तो ऑटोमेटिक इसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने अपने फेस की तरफ लाया, इसका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो गया। ये तो दोस्तों कुछ सेटिंग में आपको और भी बहुत सारे दिखा था, 3 फिंगर स्क्रीन शॉट तो रहते ही हैं, आप इस तरह से करेंगे तो आपका 3 फिंगर स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो ये वाला फीचर्स तो सब में ही रहते हैं। अब मैं आपको आगे भी कुछ और सेटिंग्स है जो हाई हिडन सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। अब आपको दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी में बहुत एक ऑप्शन मिलेगा, सिक्योरिटी में जाना है, हमें ऐप लॉक में जाना है, आप चाहें तो बहुत सारे ऐप को आप लॉक कर सकते हैं। ये दोस्तों फ़ोन आजकल सभी में दिया जाता है, लेकिन रियलमी में कुछ अलग से दिया गया है। आप देखिए मैंने जो मुझे प्राइवेसी जिस चीज़ मुझे चाहिए उसको मैंने लॉक करके रखा, आप भी चाहें तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं अपने पासवर्ड के थ्रू। यहाँ पे किड्स स्पेस प्राइवेट सेफ्टी है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप पबजी के दीवाने तो गेम स्पेस में जाके आप पबजी को एडिट कर सकते हैं, वहाँ से आपका पबजी बहुत ही स्मूथ चलेगा रियलमी 3 में।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और कुछ कुछ रहेगी कुछ सेटिंग एडिशनल आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको रियलमी 3 के सारे फीचर्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।